Hi everyone, this is me Sapna. Welcome back to my channel, Creativity with Sapna. If you don't know me, my name is Sapna and I'm from Kolkata. So guys, I am back with another brand new video. So guys, video start karne se main aapko pehle bata dun, agar aap mere channel pe new hai, to don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for new update and notification. So guys, main aapko bata dun, aaj ka video kaafi exciting hone wala hai. And guys, finally video aa gayi hai my glam pe 100 referral reward pe. या 100 रेफरल रिवॉर्ड सुन के ही मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट आपको हो गई होगी. एंड मैं अभी खुद एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये 100 रेफरल रिवॉर्ड शेयर करने के लिए, बिकॉज इस दिन का मुझे भी वेट था कि कब मैं 100 रेफरल रिवॉर्ड क्लेम करूँगी. सो फाइनली मैंने 100 भी क्लेम कर लिया है एंड उसी का मैं आपके साथ रेफरल रिवॉर्ड आपको मैं शेयर करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ. एंड गाइज, इससे पहले भी मैंने 10, 20, 30, 50 पे रेफरल रिवॉर्ड्स शेयर कर लिए, 5 भी शेयर कर लिए हैं. तो गाइज, वो वाली वीडियो देखना ना भूलें. मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक आपको मिल जाएंगे. सो गाइज, वो वाली वीडियोस देख लेना कि उसमें मैंने क्या क्या क्लेम किए थे. तो होप आप आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे देखने के लिए कि मैंने 100 रेफरल, गाइज 100 रेफरल यानी वर्थ रुपीज़ 40,000 के आपको गिफ्ट मिल रहे हैं. मीन्स माई ग्लैम के 40,000 के गिफ्ट. तो 40,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट. इतने के मेकअप आपके आपको वर्थ रुपीज़ 40,000 के मेकअप मिलने वाले हैं एंड मुझे तो मिल गए हैं. क्लेम कर सकते हैं, आप भी जी सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बस मैं ही जी सकती, मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं ही जी सकती, ऐसा कुछ नहीं है. ये बस रिफर एंड अर्न की पॉलिसी है. तो मैंने सारे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने बोल बोल के मैं थक गई हूँ कि आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं. तो होप आप अपना फ्री लिपस्टिक ले लो एंड वो वाला लिंक अपना शेयर करो. माई ग्लैम के फ्री लिपस्टिक वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से फ्री लिपस्टिक परचेज करो. फिर आपका लिपस्टिक परचेज होने के बाद आप वो लिपस्टिक का लिंक, अपना लिपस्टिक का लिंक आप दूसरों के साथ शेयर करोगे. जैसे जैसे फ्रेंड आपके परचेज करेंगे तो आपके भी पॉइंट जमा होते जाएंगे एंड आप भी क्लेम कर सकते हो. तो ये 100 रेफरल यानी 100 फ्रेंड को मैंने रेफर किया, तब जाके मुझे ये गिफ्ट मिला है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद वीडियो. एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए मैं आपको दिखा दूँ मुझे जो पार्सल रिसीव हुआ, कितने बड़े बॉक्स में रिसीव हुए. गाइस, ये बॉक्स में मुझसे नहीं उठ रही, इतनी भारी है. एंड आप बॉक्स ही देखो, कितना ह्यूज बॉक्स है. सी गाइस, मुझे इतने बड़े बॉक्स में मुझे पार्सल आए हैं एंड इसमें ये पूरा बॉक्स फुल है. मैं आपको बता दूं, मुझे 3 से 4 बॉक्स में पार्सल आए हैं, मैंने ब्रेक कर करके आए थे एंड फाइनली मैंने 2-3 पार्सल इसी में डाल दिया. एंड एक और पार्सल, एक बॉक्स में तो आई नहीं, तो एक और पार्सल है. इसमें भी सारे मतलब ये भी भाड़ी है एंड इसमें भी सारे मतलब प्रोडक्ट ही, ये भी पूरा प्रोडक्ट से फिल है एंड वो तो पूरा फिल है. तो ये सारे मैं प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी. एंड गाइस, शायद मैं स्वॉचेस उतने अच्छे से ना दिखाऊँ, उतने प्रॉपर रिव्यू ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं आपको बस प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ मुझे मिला क्या, बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे प्रोडक्ट के रिव्यू प्रॉपर दूँ. एंड ऐसे भी मैंने 30-50 में अच्छे से रिव्यू दे दी हूँ मैंने, तो अगर रिव्यू देखना चाहते हैं आप वो सब वीडियो में भी देख सकते हैं. एंड यहाँ पे मैं बस आपको दिखाने वाली हूँ कि मुझे क्या मैंने क्या क्या रिडीम किए हैं. एंड गाइज, आप मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आप वहाँ पर देख लो कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे. वो वाले शॉर्ट वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी, तो आप देख लेना वहाँ पर मुझे क्या क्या ऑप्शन थे एंड क्या क्या मैंने अभी पिक किया वो आपको मैं दिखा दूँ. तो मैंने जो फर्स्ट पिक किया है वो है कुछ काजल्स एंड मैंने सुपर फूड के 3 काजल पिक किए. आप जानते हो कि सुपर फूड में 3 काजल आते हैं, एक जेड ब्लैक, ये पूरा ब्लैक है, एंड एक है डीप ब्राउन और एक इंडिगो का शेड में है. तो तीनों मेरे पास ये काजल आ गए हैं. एंड गाइस, ये मैंने 3 मिनी लिप किट मैंने पिक किए हैं. एंड फर्स्ट है ये बेरी एमोर मिनी लिप किट, इसमें आई गेस इसमें डार्क शेड है, पीछे शेड भी है. तो गाइस, इसका सेपरेट वीडियो आ जाएगा अगर आप चाहते हो कि ये सारे लिपस्टिक के मैं स्वॉच करूं. एक मेरे पास है नो ड्रामा, इसके शेड पीछे दिए हुए हैं, ये सारे शेड्स हैं. अंदर 3 आपको मिल जाएगी, 3 लिपस्टिक मिल जाएगी आपको, मैं अंदर से दिखा दूँ. तो ये गिफ्टिंग पर्पज के लिए काफ़ी अच्छी है, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो. तो मेरे पास 3, एक है मेरे पास पावर ट्रिप, इसमें काफ़ी ब्राइट कलर्स है, आप देख सकते हो पीछे कलर्स है. तो एक है पावर ट्रिप, एक है बेरी एमर एंड नो ड्रामा. तो ये मैंने 3 पिक किए हैं. एंड मैंने माई ग्लैम का एक जेट सेट काजल भी पिक किया है. गाइज, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला काजल मेरा फेवरेट है, बहुत ही पिगमेंटेड है. यही काजल मैं ऑलरेडी आईज़ में लगाई हूँ, तो ये काफ़ी पिगमेंटेड है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्ट भी करती है, तो ऐसा कुछ आता है. बट ये ब्लैक में नहीं, ये ब्लू में है. तो भी मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ. आप देखो, ये ब्लू में, नेवी ब्लू टाइप में है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल काजल है ये. नेक्स्ट गाइस, 4 शेड, 4 लिपस्टिक मैंने माई ग्लैम क्रीमी मैट लिपस्टिक से मैंने पिक किया है एंड इसकी प्राइस है वर्थ रुपीज़ 595, ऑलमोस्ट 600 का ये लिपस्टिक है. सो गाइज, इसमें मैंने 4 शेड पिक किया. मैं अंदर से एक की पैकेजिंग आपको दिखा दूँ. गाइज, मैं सब नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज बहुत कुछ मैंने पिक किया है. एक एक को दिखाने में मतलब लाइक लिटरली आप
आप देख लो अंदर से पैकेजिंग सब बहुत ऐसी है, काफ़ी ब्यूटीफुल एंड लग्जरी पैकेजिंग है। एंड ये वाली जो शेड है मैं आपको दिखा दूँ, वाओ बहुत ही क्रीमी है ये वाला, मतलब काफ़ी क्रीमी एंड स्मूथ है। एंड ये वाला शेड है सैंग्रिया, यस ये वाली शेड है सैंग्रिया एंड ये काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है। तो ये वाले मैंने बहुत सारे शेड में इसको पिक किया, 4 शेड में मैंने पिक किया है। एक पिया है पिक किया हैंकी पैंकी, नेक्स्ट शेड मैंने पिक किया है टॉम कॉलिन एंड और एक ओल्ड फैशन, मैंने ये 4 शेड में पिक किया। मैं इसका अलग से स्वॉच वीडियो गाइज लाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे अब स्वॉच सारे नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट गाइज मैंने इतने सारे लिट लिपस्टिक मैंने पिक किए हैं। तो गाइज यही जो लिपस्टिक है आपको परचेज करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि इतने सारे गिफ्ट्स अर्न करो, तो आपको सबसे पहले यही लिपस्टिक परचेज करनी पड़ेगी। एंड ये वाले फिर आप परचेज करने के बाद आपको एक लिंक जनरेट होगी, आप वो लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, धीरे धीरे पॉइंट जमा करके आप भी ये सारे रिडीम कर सकते हैं। तो इतने सारे मैंने, ये वाले लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है एंड बहुत लोग मुझे ने मेरे से लिपस्टिक मांगा, तो उस कारण मैंने और भी लिपस्टिक लिट में पढ़ लिए हैं पिक। तो बहुत सारे मैंने न्यू शेड किए, मैं एक और सेकंड स्वॉच ऑलरेडी इस पर स्वॉच वीडियो आ चुका है गाइज, वो वाली वीडियो आप देख लेना, आई बटन पे दे दूंगी। एंड फिर से मैं एक सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी, इतने सारे और भी स्वॉच करके आपको दिखा दूंगी एंड आपको पता हो जाएगा कि आप कौन से लिपस्टिक आपके लिए बेटर होगी, तो इस पर भी स्वॉच वीडियो आ जाएगी पार्ट 2। नेक्स्ट मैंने मनीष मल्होत्रा का ये लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक मैंने पिक किया है एंड इसकी पैकेजिंग आप देख पहले भी देख चुके होंगे मेरे वीडियोस में, समवॉट ऐसी हैं। एंड इसमें भी मैंने तीन मैंने शेड इसमें भी मैंने पिक किए हैं, और ये तीन नहीं, मैंने इसमें भी 4 शेड पिक किए हैं। तो एक है कैरमल क्वेस्ट, एक है ऑब्सेशन, एक है शुगर कोरल, तो ये सारे। एंड जो मैंने दिखाया ये प्लेफुल किस है, तो ये सब के सारे स्वॉचेस भी वीडियोज़ अलग से आ जाएंगे, डोंट वरी गाइज, ये इसके अच्छे से स्वॉच वीडियो आपको मिल जाएंगे प्रॉपर। इस नेक्स्ट मैंने जो पिक किया है ये है क्रीमी मैट लिपस्टिक, समवॉट पैकेजिंग ऐसी है, अंदर से इसकी लिपस्टिक समवॉट ऐसी दिखती है एंड ये एकदम क्रेयॉन वाले फॉर्म में है। एंड इसका मैं स्वॉच दिखा दूँ, ये भी थोड़ी क्रीमी है एंड क्रेयॉन में है ये, सो काफ़ी ब्यूटीफुल लिपस्टिक। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते, काफ़ी लग्जरी, आप कैरी करोगे तो काफ़ी लग्जरी लगेगी, तो एंड काफ़ी मस्त है। एंड इसमें भी मैंने 3 शेड पिक किए, जो जिसका स्वॉच मैंने दिखाया है ये कार्नेशन है एंड इसमें और भी मेरे पास शेड है पैशन एंड सिवरीन, तो इसके भी स्वॉच अलग से मिलेंगे बिकॉज गाइज सॉरी मेरे पास एक और शेड है इसमें, एक है नट्स एंड एक्सप्रेसो, तो मैंने 4 पिक किए हैं क्रेयॉन वाले शेड में। गाइज मैं जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वीडियो लंबी हो जाती है ना, आप लोग को ही देखने में पसंद नहीं आएगी, इतनी लंबी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बस मैं आपको दिखाने वाली कि मैंने क्या क्या पिक किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिव्यू अच्छे से दे दूँगी और स्वॉच वीडियो भी दे दूँगी। एंड नेक्स्ट मैंने पिक किया है ये वाइप आउट सोप, वो भी मैंने 2 पिक किए हैं, तो ये सब काम आ जाएंगे घर के कामों में, ये भी काम आ जाएंगे। नेक्स्ट मैंने जो पिक किया वो है वाइप आउट टावल, तो मैंने 3 पिक किए, बेसिकली इसमें 3 हैं, तो इसमें मैंने ऐसी इसकी पैकेजिंग है, तो बेसिकली इसमें और इसके अंदर 10 है, 10 टावल है या 10 टावल पैकेट है, पैकेजिंग समवॉट ऐसी है। इसमें 10 इसमें लंबे लंबे जैसे वाइप्स होते हैं, तो ये वाइप्स से थोड़े बड़े हैं एंड इसमें 10 पीसेस है ईच पैकेट में, तो ऑलमोस्ट 3 है, तो मेरे पास इसमें 30 टावल है। नेक्स्ट मैंने HD बनाना पाउडर, फेस पाउडर लिया है, आपको अंदर से मैं दिखा दूँ ये कैसा दिखता है। अंदर से बहुत अच्छी पैकेजिंग आई है कि ये टूटे ना, ऐसा फोम इसका दिया हुआ है एंड अंदर से ये आपको ऐसा HD बनाना पाउडर आपको मिल जाएगा, तो मैंने इसमें 2 पिक किया है। नेक्स्ट मैंने मनीष मल्होत्रा का मेथी फेस स्क्रब लिया है, समवॉट पैकेजिंग इसकी ऐसी है एंड गाइज इसकी प्राइस है बहुत ₹9.45 एंड गाइज ये अभी भी अनसील है, मैंने इसको खोला नहीं है, तो इसको खोलूंगी भी नहीं बिकॉज इसको मुझे किसी को देना है, तो ये स्क्रब है बेसिकली एंड अंदर से काफ़ी लग्जरी पैकेजिंग है। आप अगर मेरे 20 वाले रेफरल पॉइंट नहीं देखे, वीडियो नहीं देखो वहाँ देख लिया, आप मैंने मनीष मल्होत्रा के स्किन केयर वाले प्रोडक्ट के रिव्यू दिए, तो वहाँ पे आप जरूर देख लें। एंड गाइस विंटर आने वाली है, तो इस कारण मैंने MyGlam से ये इतने सारे मैंने हैंड क्रीम और फुट क्रीम मैंने ले लिए हैं, मेरे घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो अभी उन लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगी। एंड इतने सारे मैंने हैंड क्रीम और फुट क्रीम मैंने लिया है, स्पेशली मैंने मम्मी के लिए लिया है ये सारे प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने वाइप आउट वाले रेंज से मैंने फेस वॉश ले लिए हैं एंड ऑलमोस्ट इसकी प्राइस है, ये फेस वॉश की प्राइस है बहुत ₹119 मीन्स या, तो मैंने सॉरी 5 यस मैंने 5 फेस वॉश भी ले लिए हैं, तो ये सब मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लिए हैं। प्राइस मैंने 5 माइगी पोज वाले सेक्शन से HD फाउंडेशन लिया है, ये स्टिक है, तो अंदर से मैं आपको दिखा दूँ ये कैसा दिखता है। ये आप मेरे मोस्ट ऑफ वीडियो में देखे होंगे कि ये मैं ये वाले फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, तो ये समवॉट ऐसी है
एंड अंदर से अभी ये कवर है, आप देख सकते हो ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है। तो ये वाले मैंने अलग अलग शेड में लिए हैं, डीप में भी लिया, लाइट में लिया। डीप वाले शेड में यूज़ करती हूँ कंटूर करने के लिए, लाइट वाले फाउंडेशन एज अ फाउंडेशन, और जो ज़्यादा लाइट है तो उसको मैं एज अ कंसीलर भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सारे फाउंडेशन स्टिक है मैंने पिक किए हैं। मैंने पिक किया है ये वाइप आउट का बॉडी नो गैस डीओ, सो ये मैंने इसमें चार पिक किए हैं, इसमें दो है और दो मेरे हाथों में है, तो ऑलमोस्ट मैंने फोर पिक किया। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, मतलब एज अ मैं तो इसको एज अ रूम स्प्रे भी यूज़ कर लेती हूँ बहुत बार। बहुत ही अच्छी मीठी मीठी खुशबू है इसकी, बहुत ही प्यारी खुशबू है। एंड गाइस मैंने कुछ नेल पेंट भी पिक किए हैं, ये वाले नेल पेंट है समवट, ये है माइग्लैम का लिट नेल इनैमल एंड अंदर से समवट ये ऐसा है। तो मैंने इसमें चार शेड पिक किए, इसके भी वीडियोस आपको शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगी, इसके भी रिव्यू। मैंने माइग्लैम का सैटिन मैट लिपस्टिक लिया है एंड इसकी प्राइस है बहुत ₹495। एंड आप ये देख सकते होंगे मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका रिव्यू दिया है, पहले वाले हॉल वाले वीडियो में, बट आपको मैं आपको दिखा दूँ अंदर से इसकी पैकेजिंग। ये समवट बहुत ऐसी है, थोड़ी छोटी सी इसकी पैकेजिंग है एंड अंदर से समवट ऐसी है। पैकेजिंग तो नो डाउट सबकी बहुत ही खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल है। मैंने पोर्स का एचडी लिपस्टिक लिया है गाइस, ये एचडी फाउंडेशन एंड एचडी लिपस्टिक दोनों की पैकेजिंग सेम है, बट ये थोड़ी छोटी में है, ये थोड़ी लंबी है, तो बट सेम पैकेजिंग, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने चार शेड पोर्स वाले सेक्शन से लिया एंड अंदर से ये लिपस्टिक ऐसी है एंड ये कार्डबोर्ड की बनी हुई है गाइस, आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, ये पानी से लगने से ये ख़राब भी हो सकती है, तो आप इसकी अंदर से पैकेजिंग देख लो। तो काफ़ी अच्छी आपको स्वॉच दिखा दूँ, नहीं तो मैं ये आप देख सकते हो इसकी स्वॉच स्मूथ है, अच्छी है, सही है। नेक्स्ट गाइस मैंने दो वाइप आउट का सैनिटाइज़र दो मैंने पिक किया है, तो ये क्या यस आई नीड सैनिटाइज़र। तो मैंने वहाँ सैनिटाइज़र देखा तो मैंने सैनिटाइज़र भी पिक कर लिया, ये 200 की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल गया, तो मैंने दो पिक कर लिया। आप मेरे आगे के वीडियो में देखेंगे कि मैंने दो माइग्लैम के मनीष मल्होत्रा के दो आई शेडो पैलेट पिक किए थे, तो इस बार भी मैंने पिक किया है एंड इस बार अलग शेड में मैंने पिक किया है। मनीष मल्होत्रा के आई शेडो पैलेट बहुत ही खूबसूरत होते हैं एंड ये वाले शेड मैंने सोरेन शेड में मैंने पिक किया है, आप अंदर से इसकी पैकेजिंग देख लो। इसमें 9 शेड आते हैं, 9 in 1 एंड काफ़ी ब्यूटीफुल, इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है, हाईलाइटिंग कलर आप देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल। इसका मैं स्वॉच दिखा दूँ थोड़ा सा ही, जस्ट इसको लेने से देखिए कितनी ब्यूटीफुली, ओ माय गॉड, बहुत ही पिगमेंटेड, मुझे बहुत पसंद है। एंड इसकी प्राइस एक्सपेंसिव है, ये इसकी MRP है 1850, या काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसमें मेरे पास तीन आई शेडो पैलेट हो गए, एक्चुअली मनीष मल्होत्रा के ये 9 in 1 में चार शेड है, तो तीन मैंने पिक कर लिया। मैंने दो बाकी के दो भी मैं पिक कर लेने वाली थी बट वो आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मेरे पास हाँ मैंने बट फिलहाल चार में से मैंने तीन पिक कर लिए हैं। नेक्स्ट मैंने माइग्लैम से सुपर फूड में ये अनियन मोरिंगो शैम्पू दो पिक किया, मुझे ट्राई करने थे ये वाले शैम्पू, तो काफ़ी अच्छे रिव्यू मैंने सुने हैं, तो मैंने 200 ml का मुझे ये दो शैम्पू मिल गए। इसकी प्राइस है 299, मीन्स ऑलमोस्ट 300 का ईच, 300 ईच प्रोडक्ट मुझे शैम्पू मिल गया। दो मैंने लिप ग्लॉस भी पिक किए मनीष मल्होत्रा के रेंज में, ये है अंदर से पैकेजिंग में आपको दिखा दूँ, समवर ऐसी काफ़ी ब्यूटीफुल शेड है एंड ये वाला शेड है रविशिंग रेयर, काफ़ी ब्यूटीफुल है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस। मैं आपके सामने यूज़ करके देखने वाली हूँ, थोड़ी सी शाइन आ गई है, तो ऑलरेडी मेरे लिप्स या थोड़ी एक्स्ट्रा शाइन आ गई है मेरे लिप पे, येस इज लुकिंग गुड। तो इसमें मैंने दो पिक किया था, तो ये था रविश रेड एंड नेक्स्ट है रोज लस्ट्री, या ये कोई और वीडियो में आपको दिख जाएगा इसका स्वॉच। नेक्स्ट मैंने पिक किया है मनीष मल्होत्रा का ये सॉफ्ट मेट लिपस्टिक, अंदर से मैं इसकी पैकेजिंग आपको दिखा दूँ, समवट ऐसी है, सो या इसकी पैकेजिंग आप देख लो एंड अंदर से देख लो, काफ़ी खूबसूरत ये वाला शेड है, आप देख सकते हो ये शेड काफ़ी खूबसूरत है एंड पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है एंड इसकी लीड आप देखो मैग्नेटिक है, ये अपने आप बंद हो जाएगी, ऐसे आप इसको बंद करोगे तो ये अपने आप बंद होगी, ऐसे आवाज़ करेगी, तो इसमें मैग्नेटिक लीड है ये, तो आप देख सकते हो मनीष मल्होत्रा की सारी चीज़ काफ़ी अच्छी लग्जरी पैकेजिंग में आती हैं। नेक्स्ट मैंने माइग्लैम का वंडरलस्ट रो मेड फिनिश ये नील पेंट लिया है गाइस, इसकी शॉर्ट वीडियो आ गई है, आप देख सकते हो मेरे हैंड पे ये बहुत ही खूबसूरत लगी लगाती है, एकदम मैट फिनिश आ जाती है आपके हैंड में। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो लाया है, मैंने शॉर्ट वीडियो लाया है, आप वो वाले शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। नेक्स्ट मैंने ये बेस प्राइमर पिक किया है, ये है टिंटेड परफेक्शन बेस प्राइमर फॉर पोर्स मिनिमाइजर, और भी मेरे स्किन में बहुत ही पोर्स है बिकॉज मेरा स्किन है एक्ने प्रोन स्किन, तो पोर्स भी बहुत हो गए मेरे, तो मैंने फिर से एक और पिक कर लिया, ये माइग्लैम का बना है, माइग्लैम का टिंटेड परफेक्शन बेस प्राइमर। या नेक्स्ट मैंने ये दिखाना भूल गई, एक और मैंने जेट सेट काजल लिया है ये ब्लैक शेड में, वो वाले आपने ये वाला देखा था तो ये नेवी ब्लू में था, तो ये ब्लैक शेड में जो मेरी आंखों में लगी हुई है तो ये ब्लैक शेड में है। एंड ये क्या मैंने लिया, ये मैंने मेट आईलाइनर पेंसिल लिया है, तो ये आईलाइनर
यार ये मैंने ये वाइट शेड में लिया है एज इसको मैं खाजल यूज़ करती हूँ अपने वाटर लाइन में, मुझे बहुत पसंद है ये सारे प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा दिए हैं एंड माय गुडनेस आप देख सकते हैं कि मुझे कितने सारे प्रोडक्ट मिले 100 फ्रेंड को रेफर करने के लिए। अगर आप 100 फ्रेंड रेफर नहीं कर सकते तो आप मिनिमम 5 फ्रेंड भी रेफर कर सकते हैं एंड 1500 का गिफ्ट आप अपने लिए रिडीम कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बिकॉज आप लोग मेरे वीडियोज देखते हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइज आई विल बी सून बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी स्क्रीन मेंशन कर दी है। तो सून गाइज आई विल बी बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड आई लव यू गाइज।